नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार टेक्निकल टॉरस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं, ये MI का बैकपैक है जो कि बिज़नेस कैजुअल बैकपैक है और ये 21 लीटर का है। मैंने 2 तारीख को ऑर्डर किया था, 2 जैन 2022, और आज मुझे ये डिलीवर हो गया है। तो ज़्यादा दिन नहीं लगे, कुछ ही दिनों में डिलीवर हो गया मुझे। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। तो भाई, अमेज़ॉन से मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये मुझे 999 का 999 का इसका अमाउंट आ रहा था, बट मुझे 970 के अराउंड पड़ा था क्योंकि मैंने अमेज़ॉन पे के क्रेडिट कार्ड से इसे ऑर्डर किया, तो उसमें मुझे कुछ 25 रुपीज़ का कुछ डिस्काउंट मिला इसमें। तो भाई देख लीजिए भाई, ये है प्रोडक्ट जिसमें आपको दिख रहा है, MI का बिज़नेस कैजुअल बैकपैक है, प्रोडक्ट नेम बैकपैक है और ये मॉडल है इसका। एक क्वांटिटी है भाई पॉलिस्टर, 100% पॉलिस्टर इसमें यूज़ किया गया है इसको मैन्युफैक्चरिंग में इसकी, और 21 लीटर का है। तो भाई काफ़ी बड़ा बैग है, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर आपका लैपटॉप वगैरह रखने के लिए काफ़ी ठीक रहेगा, जिनके पास लैपटॉप होते हैं और उनके लिए ठीक है ये। और देखिए भाई, MI की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है और ये जो कुशंस हैं इनकी क्वालिटी भी ठीक है। और देख लेते हैं पीछे, ये जो है नेट फॉर्म दे रखी है जो कि कंफर्टेबल रहेगी, आप जब इसको पीछे टांग लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक लगेगा। नीचे की तरफ जो मटेरियल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल, मतलब टॉप का जो मटेरियल है वो थोड़ा रफ है, नीचे का मटेरियल बहुत सॉफ्ट सा है, लेदर टाइप थोड़ा लग रहा है मुझे ये। और ये देख लीजिए, इसके की हैं ये, सॉरी इसके ये इसकी चैन में जो ये लगे हुए हैं ये देख लीजिए आप। और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, MI लाइफस्टाइल आगे भी ब्रांडिंग दे रखी है इसकी, पॉकेट है ठीक है, और वाटर रेसिस्टेंट भी है ये बैग, मतलब वाटर प्रूफ है, पानी से कुछ नहीं होगा। और पॉलिस्टर है भाई, आपको पता ही है पॉलिस्टर पे पानी जो आता है और फिर ऐसे ही हट जाता है, पॉलिस्टर में कोई चीज़ जो है वो गीली नहीं होती है। तो भाई ये MI का टैग है, और जैसे कि मैंने अपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें पाजो वाला जो बैग था वो ऑर्डर किया था भाई, उसके बदले मैंने MI का एक वो छोटा वाला बैग है वो भी ऑर्डर किया था, 350-400 के अराउंड पड़ा था मुझे। बट उसमें मुझे दिक्कत ये थी कि भाई उसकी चैन जो थी, जो उसकी जिप थी वो भाई ऐसे बीच में से थी। हाँ भाई, बीच में ऐसे होता है कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो आप या कहीं जा रहे हो, तो भाई वो जो जिप है कोई भी आराम से आपकी खोल ले या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका कोई सामान गिर जाए। तो इस वजह से जो है मैंने वो नहीं लिया वो बैग, वो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो मैं इसी बैग का वेट कर रहा था, तो इसलिए मैं फिर इसको मुझे आज ही मिल पाया ये बैग। ये साइड में आप देख सकते हैं, मतलब क्वालिटी भाई MI आपको पता ही है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भाई उसकी बढ़िया होती है, लेकिन मतलब जितने अभी तक मैंने परचेज़ किए हैं वो सब में सारी क्वालिटी बढ़िया ही मिली है। और अब ये देख लीजिए, साइड में पॉकेट है बॉटल वगैरह रखने के लिए, काफ़ी जो इसका इलास्टिक है भाई बहुत ज़्यादा एकदम टाइटली है कि भाई बॉटल गिरेगी नहीं इसमें से, एक बार आपने डाल दी तो। यहाँ भी साइड में है भाई, पर इसमें कोई इलास्टिक वगैरह नहीं है, आप ऐसे ही डाल के छोड़ दीजिए तब भी, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने ठीक तरीके से बनाया हुआ है कि आपकी बोतल इसमें से भी नहीं गिरेगी। और भाई जिप तो देखिए, जो जिप पे ये इन्होंने ये ब्रांडिंग दे रखी है, ये की चैन जो होती है इसके ऊपर ये जो ब्रांडिंग दे रखी है भाई, ये भी औसम है। और जो चैन की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है, इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कितने पॉकेट्स हैं। ये देख लीजिए आप, इसके अंदर ये जो मटेरियल है ना, यही आपका जो बैग है उसको, मतलब कोई अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो उनको गीला नहीं होने देगा। ये देख लीजिए, एक पर्सनल पॉकेट यहाँ दी हुई है,
एक पॉकेट यहाँ दी हुई है, आप अपना पर्स वॉलेट या फिर कोई भी कार्ड रख सकते हैं, अपना मेट्रो कार्ड वगैरह जो भी आप जल्दी ही से निकालना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो जिप है वो ओपन कर लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट जिप में देख लीजिए, वो भाई ये ऑसम है यार, यहाँ पर भी इन्होंने एक जिप दे दी है, ये जिप यहाँ भी दे दी है। और ये देख लीजिए मटेरियल अच्छा है बैग का यार। और ये देखिए एक साइड पॉकेट यहाँ भी दी हुई है भाई, यहाँ भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं सेफली। ठीक है, ये तो इधर तो कुछ नहीं दे रखा इन्होंने साइड में, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको हटा लेते हैं हम। और भाई यहाँ भी कुछ नहीं है, चलिए MI का यहाँ पर ये दे रखा है टैग Xiaomi MI और मॉडल वगैरह लिखा हुआ है इसके ऊपर। फ्रंट वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया है, MI लाइफस्टाइल लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, और ये जो मटेरियल है ये दोनों डिफरेंट है, ये थोड़ा पॉलिस्टर है और ये मतलब थोड़ा लैदरिश में है और काफ़ी प्लेन है, काफ़ी सॉफ्ट लेदर है ये। ठीक है, अब इसमें था शायद साइड में, पीछे साइड भी पॉकेट थी, ये देखिए हिडन पॉकेट है भाई ये, इस साइड भी आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए छोटी पॉकेट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है यार, मतलब बता देता हूँ इतनी पॉकेट होगी कम से कम, ये यहाँ से लेके इतनी पॉकेट है, वॉलेट वगैरह या मोबाइल वगैरह आराम से रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे पॉकेट है आपके पास। और काफ़ी सेफ पॉकेट रहेगी क्योंकि बैग जो आप टांगेंगे तो भाई ये जो हिस्सा रहेगा ये आपका छुपा ही रहेगा, तो अगर कोई ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो भाई वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो भाई ऑल ओवर बैग को रेटिंग दूंगा भाई 10 out of 9.5 दूंगा मैं, क्योंकि मुझे मटेरियल बहुत अच्छा लगा और क्वालिटी बहुत इसकी बढ़िया है। ऊपर से लगता है यार, मतलब टैग वगैरह जो देते हैं ना तो लगता है भाई हाँ आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेस किया है। तो भाई वैल्यू फॉर मनी है, आप भी जाके परचेस कर सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कमेंट का। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस बैग के आपको अगर और भी किसी चीज़ के बारे में पूछना होगा तो भाई आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।